पुणे पुलिस ने शराब पीकर के गाड़ी चलाते पोस्ट कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग आरोपी की ब्लड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ के आरोप में सोमवार को एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अतुल घाट कांबले के रूप में हुई है और वो ससून अस्पताल का कर्मचारी भी है। इससे पहले पुलिस ने इसी सिलसिले में सरकारी अस्पताल के दो वरिष्ठ डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया था। दुर्घटना में दो इंजीनियरों की मौत हो गई थी। यरवदा पुलिस स्टेशन की टीम ने फॉरेंसिक टीम के प्रमुख डॉक्टर अजय तावरे और सरकारी ससून अस्पताल के ब्लड बैंक से जुड़े डॉक्टर श्रीहरि हलनौर को उनके घरों से गिरफ्तार किया था। दोनों पर नाबालिग लड़के के ब्लड सैंपल में हेरफेर करने और गलत रिपोर्ट पेश करने का संदेह है। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पिछले सप्ताह कहा था कि पुलिस ने नाबालिग के रक्त के नमूने को जांच के लिए एक निजी अस्पताल में भी भेजा है। जांचकर्ता ने उनका मिलान करने के लिए डीएनए परीक्षण की भी योजना बनाई है। पुलिस को सरकारी अस्पताल में रक्त के नमूने की जांच रिपोर्ट पर संदेह है। शहर के प्रमुख बिल्डर विशाल एस अग्रवाल के नाबालिग बेटे की ब्लड रिपोर्ट ने एक विवाद खड़ा कर दिया था। उसमें उसे क्लीन चिट दे दिया गया था। 19 मई को कल्याणी में हुई घातक दुर्घटना में 15 घंटों के भीतर उसे जमानत मिल गई थी। दुर्घटना में आईटी इंजीनियर अश्विनी कोष्ठा और उसके दोस्त अनीस अवधिया की मौत हो गई थी। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। नाबालिग फिलहाल पुणे के एक किशोर सुधार गृह में बंद है। उसके पिता न्यायिक हिरासत में है, जबकि दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल भी इसी मामले में पुलिस के हिरासत में है। मामले में सरकारी अस्पताल के दो डॉक्टरों के अलावा पुणे पुलिस ने 24 मई को दो पुलिसकर्मी पीआई राहुल जगदाले और एपीआई विश्वनाथ टोडरकरी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। पुलिस का दावा है कि हादसे के वक्त नाबालिग नशे में था। नाबालिग को शुरुआत में किशोर न्याय बोर्ड ने सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी, लेकिन इस सुधार रवैये के खिलाफ पनपी नाराजगी और पुलिस द्वारा समीक्षा याचिका लगाए जाने के बाद उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेजा गया। इसी बीच पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सोमवार को दावा किया कि ससून जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने आरोपी नाबालिग का ब्लड सैंपल एकत्र किया था, लेकिन कूड़ेदान में फेंक दिया था, किसी अन्य व्यक्ति के साथ बदल दिया जिसने शराब का सेवन नहीं किया था। अमितेश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 19 मई को सुबह 11 बजे के आसपास पुणे के ससून अस्पताल में लिया गया ब्लड सैंपल अस्पताल के कूड़ेदान में फेंक दिया गया था और दूसरे व्यक्ति जिसने शराब नहीं पी थी उसका ब्लड सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया था। सीएमओ श्रीहरि हरनौर ने इस ब्लड सैंपल को बदल दिया। जाँच के दौरान हमने पाया कि ससून के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के एचओडी अजय तावरे के निर्देश पर श्रीहरि हरनौर ने इसे बदल दिया। पुणे पुलिस ने दुर्घटना के सिलसिले में नाबालिग पिता के विशाल अग्रवाल को, जो एक रिटायर्ड रियल एस्टेट एजेंट हैं, और उनके दादा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दादा को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि नाबालिग के पिता दादा दोनों ने परिवार के ड्राइवर को पैसे की पेशकश की और धमकी देकर दुर्घटना दोष अपने ऊपर लेने के लिए दबाव डाला। सुरेंद्र अग्रवाल को ड्राइवर को अवैध रूप से बंधक बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाद में एक अदालत ने उन्हें 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। नाबालिग के पिता ने 19 मई की दुर्घटना के संबंध में एक दर्ज अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है। उनका नाम भी FIR में शामिल है। इससे पहले अमितेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर ने यरवदा पुलिस थाने में एक बयान दिया था कि वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन बाद में ये पता चला कि कार नाबालिग ही चला रहा था। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि ड्राइवर के यरवदा पुलिस थाने से जाने के बाद विशाल अग्रवाल और उसके पिता उसे एक कार में अपने बंगले पर ले गए, उसका फोन छीनकर उसे वहीं बंद कर दिया। अमितेश कुमार ने कहा कि ड्राइवर पर उनके निर्देशों के अनुसार पुलिस को बयान देने का दबाव डाला गया। पहले उसे जिम्मेदारी लेने के लिए पैसे और उपहार का लालच दिया गया, फिर धमकी दी गई। आयुक्त ने कहा कि अग्रवाल परिवार ने ड्राइवर को जितनी रकम चाहे देने की पेशकश की थी। साथ ही बताया कि अगले दिन ड्राइवर की पत्नी ने वहां पहुंचकर उसे आजाद कराया। कुमार ने कहा कि ड्राइवर डरा हुआ था, उसे समन भेजा गया और गुरुवार 23 मई को उसका बयान भी दर्ज किया गया। तथ्यों की पुष्टि के बाद नाबालिग के पिता और दादा के खिलाफ ड्राइवर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। विशाल अग्रवाल और उनके पिता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 अपहरण और धारा 368 गलत तरीके से छिपाना या कैद रखना के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में सोमवार को कोर्ट से विशाल की कस्टडी मांगी और कोर्ट ने कस्टडी दे भी दी। पुलिस हिरासत का विरोध करते बचाव पक्ष के वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि दुर्घटना के समय ड्राइवर कार में था और इस आरोप को इनकार किया कि उसे गलत तरीके से घर में कैद किया गया था। पाटिल ने दावा किया कि चूंकि घटना पर हंगामा हुआ, इसलिए ड्राइवर ने खुद ही आरोपी के बगल में सर्वेंट क्वार्टर में जाने का फैसला किया और अगले दिन तक वहीं रुका रहा। ड्राइवर को धमकी मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। वीडियो डेस्क कमर उजाला .com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, अमर उजाला .com।